प्रिंस पागल को क्या हो गया है? ओ रुको पागल इंसान, क्या हो गया है? कुछ बताओ तो सही, क्या हो गया है? अबे भूतनी के पढ़े लिखे हो कर जालू वाला काम क्यों कर रहे हो? अबे पागल मुझे छोड़, मेरा यही तो जुर्म है जो मैं पढ़ा लिखा हूँ। आज मैं जहल होता तो बकरियां चरा रहा होता, बकरियां। आज हुकूमत का हाल देखा है हुकूमत का? आजकल नौजवान पढ़े लिखे होकर फांसियां खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? नौकरियां तो नहीं मिल रही, हुकूमत हमारी बर्बादी कर रही है, बर्बादी नौजवान नस्ल की बर्बादी हो रही है। चलो चलो जहल इंसान, आज मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो इंटरव्यू देते हैं, शायद क्या आप हमारी नौकरी लग जाए। क्या हमारी नौकरी लगेगी? 500 सीट होगी और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा वहाँ पर, तो हम कैसे जाएंगे? चलो तो सही, मरने से तो बेहतर है वतन हमारी नौकरी लग जाए वहाँ पर। चलो चलो चलो, रुक जाओ, मैं अंदर जाता हूँ, यही है इंटरव्यू वाली जगह, मैं अंदर जाता हूँ, पता करके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ओ जहल इंसान, मैंने तुझे बैठने के लिए कहा है, चलो उठो, खड़े हो जाओ। बताओ क्या काम आए हो? सर मेरा इंटरव्यू था, अभी टाइम खत्म हो चुका है, 5 बजे तक टाइम था, 6 हो गए, चलो निकल जाओ, कल आना फिर 8 बजे। बाकी सारे काम मुल्क में टाइम पर हो रहे हैं। बदतमीज इंसान, सिक्योरिटी निकालो इसे बहन। ठीक है, मैं कल आऊंगा इंटरव्यू देने। जी बताओ क्या हुआ? सर ने हमसे खसूसी टाइम मांगा है क्योंकि हम मेहनती बाल है ना। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो। हो जाएगा, चलो फिर कल आएंगे। एक दिन बाद। देव लौंडे मेरी बात सुनो, मैं आपसे कर रहा हूँ 3 सवाल, उसके अगर आपने सही जवाब दे दिए तो आपकी नौकरी पक्की, अगर आपने गलत जवाब दिए तो आपकी नौकरी कैंसल। हाँ, हमने तो 20 साल मेहनत की है, किस लिए किया है, पूछो हमसे सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, पाकिस्तान को किसने बनाया था? सर जी ये तो आपने आसान सा सवाल कर दिया, ये तो पहले का बच्चा ही बता देगा, पाकिस्तान को तो टीपू सुल्तान ने बनाया था। उल्लू के पट्टे पाकिस्तान को कैद आजम ने बनाया था। सर जी कैद आजम मिस्त्री था क्या? चल तू बकवास बंद कर, दूसरा सवाल सुन, मीनारे पाकिस्तान को किसने बनाया था? सर जी ये कोई पूछने वाला सवाल है, ये तो मिस्त्री ने बनाया था जिसमें मैं भी शामिल था। निकलो, दफा हो जाओ, फेल हो गए हो तुम। लो जी ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, नेक्स्ट आ जाए। बेटा मैं आपसे करूंगा 2 क्वेश्चन, दोनों के जवाब दे दिए सही तो आपकी नौकरी पक्की, अगर गलत दिए तो आपकी नौकरी कैंसल। ठीक है सर, ठीक है पूछें। बेटा मिसाल के तौर पर आपको वकील की नौकरी मिल गई है, आपका मुलजिम है 302 का, तो आप जज के सामने सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, उसका कैसे आप केस लड़ेंगे? सर जी ये तो वाज़ है, मैं तो सच का ही साथ दूंगा ना, 302 के मुलजिम को मैं फांसी दिलवाऊंगा, चाहे वो मेरा ही क्यों ना क्लाइंट हो। वेल डन बेटा, आपने तो जवाब सही दिया है। अब मेरा है दूसरा सवाल, करारदार दे पाकिस्तान किसने पेश की और कब पेश की? सर जी करारदार दे पाकिस्तान 1940 में A.K. फजलो हक ने लाहौर के मंटो पार्क में पेश की थी। वेल डन बेटा, आपने तो दोनों सवालों के जवाब सही दे दिए हैं, आपकी नौकरी पक्की। सर जी नौकरी पक्की समझो? हाँ हाँ बेटा, आपकी नौकरी पक्की है, आप जैसे जहीन और मेहनती बच्चों की तो पाकिस्तान को जरूरत है, कल आप 3 लाख रुपए लेकर 8 बजे मेरे दफ्तर में आ जाना, आपकी नौकरी पक्की है। आप आ गए, आपकी नौकरी लग गई है? हाँ हाँ, इंटरव्यू तो पास कर लिया है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, फिर मिठाई कब खिला रहे हो? मिठाई कहाँ से खिलाऊं, वो साला मुझसे 3 लाख रुपया मांग रहा है। 3 लाख? हाँ यही तो भंडार है पाकिस्तान का। हाँ, जहाँ पर जाओ पहले रिश्वत दो फिर कोई काम होगा, इस वजह से मैं तो फांसी खा रहा था, इस काम करने से मर जाना ही बेहतर है, मैं जाकर फांसी खाता हूँ।